वितरण, हम नई पुस्तक वितरण करते हैं। कौन करते हैं? भगवान करते हैं, प्रभुपाद जी के द्वारा करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप पुस्तक वितरण करते हैं तो कभी नहीं कर पाएंगे। और कर इसलिए कुछ लोग होते हैं, करते हैं बाद में चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवद गीता को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि कोई भी कार्य करो अपने आप को कर्ता मत मानो, सेवा करो अपने आप को कर्ता मत मानो, सेवा वही करो जो दिया जाता है, सेवा वो करो जो तुमको करना है, तो कुछ दिन करोगे उसके बाद आउट हो जाओगे, ठीक है। इसलिए सेवा अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए, जो सेवा दिया वो करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये अच्छा लगा मैं कर लेता हूँ सेवा, क्योंकि वो अच्छा तो मन की बात है ना। मन तो अच्छा, आज अच्छा लग रहा है, कल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए। अपने हिसाब से काम करोगे तो भगवान बोलते हैं गीता में नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। पढ़ा है किसी ने गीता? हाँ, चैप्टर 18 पढ़ा है, लास्ट लास्ट चैप्टर 18, उसमें लिखा है। अभी मैंने रिसेंटली फिर से पढ़ा तो मुझे याद आया कि देखो ये बोलना चाहिए मुझे। भगवान बोलते हैं विनक्षति, तुम्हारा नाश होगा अगर तुम मनमानी ढंग से कार्य करोगे तो नाश होगा। अभी ऐसा लग रहा है कि चलो अच्छा है, चल रहा है, मैं बहुत अच्छे से इस्कॉन में आ रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम बात को मनमानी ढंग से करेंगे तो नाश हो जाएगा हमारा। इसलिए हमेशा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, भगवान ऐसा बोलते हैं। और प्रोटेक्शन में रहेंगे जैसे भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, और वो जो पढ़ता जो पढ़ेंगे अगर सेवा करेंगे तो पढ़ना का एप्लीकेशन होता है। इसलिए हम आपको बोलते हैं, अभी कल मोक्ष, कल जो है भद्र पूर्णिमा है, तो आज तक हमने गुरु महाराज के कृपा से आप जो भक्त प्रयास कर रहे हैं और बाकी लोग जो प्रयास नहीं कर रहे आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके कृपा से अभी 70 प्लस हो चुके हैं 100 में से, अभी 30 और बाकी है ना, हाँ कितना बाकी है, 120 करना है, हाँ तो 50 और बाकी है। तो कल का दिन है और थोड़ा दिन बाकी है, 10 दिन और कर सकते हैं हम। तो मेरा ऐसा योजना था कि हमने देखा कि कितने कुछ लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से पुस्तक वितरण कर रहे हैं, तो मैं चाहता था कि थोड़ा थोड़ा बताएं आप, है ना, 5 मिनट में थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं आप। तो मनोज भाई प्रभु, आप बताइए कैसे करते हैं आप पुस्तक वितरण, क्या सीक्रेट है, आप बताइए क्या सीक्रेट है, खड़े होकर बताइए। हाँ, ये माइक लीजिए और कैमरा उधर कर दीजिए। हाँ हाँ चलो, यहाँ ये पकड़ लीजिए, यहाँ ऐसे मोड़ दीजिए। क्या सीक्रेट है आप? लोग पूछते हैं कि कैसे होता है, आपने 5 भागवतम कर दिया तो कैसे होता है, आप बताइए, उसके बाद मैं थोड़ा बताऊंगा। जोर से बोलिए, नजदीक नजदीक नजदीक, नहीं नहीं मेरा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सबसे पहले तो भूमि बना रहे भगवान की हमारा साधना, तो साधना में मतलब मन ही होगा, उसके बाद मन माना। अभी मानव साधना से हमें प्रगति मिलती, पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारी प्रजा इच्छा होनी चाहिए कि मुझे प्रचार करना है। जब तक हम प्रजा इच्छा नहीं करेंगे तब तक किसी की नहीं है। मैंने कई बार देखा, जैसे कि रिसर्च में एक शुरू बता रहा हूँ, तो हमें मंडी में जिसके वहाँ पे भागवत दिया, तो हमने सोचा था कि नहीं जाएगी, तो आप इंदिरा में ऐसा लगता था कि लेके या फिर पैसों में दिक्कत आएगी, तो हम ना ना करके फिर नंदे भूमि बोला कि नहीं जाते चलो कुछ भी, और हम वहाँ पे गए, कुछ प्लान नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि वहाँ लोग क्या करने वाले, पूरे घर के सभी लोग मतलब पूरे वैष्णव की लग, और हम लोग आए तो जैसे कोई सही में कोई भक्त है, दूसरे भक्त का कभी स्वागत करते, वो उन्होंने सिखा दिया, पूरा फूल फूल बरसा रहे थे, मतलब दूर से मतलब 100 मीटर दूर से पूरा कीर्तन चल रहा है प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद का ये टीवी पे, और वो लोग इस्कॉन के को नहीं जानते, खाली कोई कोई मंदिर में किसी को नहीं जानते, तो फूले से पूरा पादरी का स्वागत किया। तो मुझे ऐसा लगा उस समय कि मुझे ऐसा भी सुनना दिया कि मृत्यु की ये लेके या आगे उनका क्या सोचे, मुझे भगवान ने सेवा किया है, मुझे सेवा करना है। और उसी दिन दूसरा मुझे एक शिक्षा प्राप्त हुआ
कि उसी दिन चार भागवत हो गया, तो मुझे लगा चार हो गए, चलो अभी घर जाता हूँ। मैंने प्रभु को बोला प्रभु में निकल रहा हूँ, 7:30 हो गए, तो प्रभु लेते हुए जा रहे थे। प्रभु ने बोला कहाँ जा रहे हो, मतलब घर कहाँ घर कौन से घर। अब उनके उनको तो हर बार पता ही चलता है, तो मैंने बोला प्रभु घर जाना है। प्रभु बोले ठीक है जाओ, एक भागवत करके जाओ। अब देखो मुझे मुझे मैंने बोला प्रभु ने सब बोल दिया है, देखते मैं ऐसे प्रभु को बोला प्रभु कुछ करो करना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति एक भक्त आए वो देख रहे थे और उनकी बाइक नंबर खरीदी कर रही थी, तो उनको मैंने काफी समझाया। फिर वो बोलते हैं वो पास में क्यों बैठा हूँ, वो अंदर नहीं, फिर वो अंदर से बाहर आए। फिर 20 मिनट तक हम वहाँ देखते रहे उनके डॉक्टर आए कि नहीं आए कि नहीं आए, क्योंकि मुझे घर भी जाना था, मैं सोचता था कि घर जाऊँ घर जाऊँ क्या करूँ। फिर वो आए अंदर से, वो तो सीधा चले जा रहे थे, फिर मैं उनकी बहुत बड़े पीछे फिर उनको लेके आए। पत्नी तो ऐसे चला मतलब वो तो ना ना ही बोल रही है, फिर भी अंकित तो ने उनकी वाइफ को समझा, मैंने उनको समझाया ऐसे कर तो उनका मन में मतलब भगवान तो है निकल गई, तो उन्होंने उनको प्रेरणा दी और किया गया और उन्हें तुरंत कैश ऑन डिलीवर किया अपने खाते के लिए। तब मैंने सुना कि देखो ये भागवत मेरे रुकने से या मेरे प्रयास से नहीं हुआ, मैंने वैष्णवों का आज्ञा मांगा। उन्होंने मुझे बोला कि करके जाओ, हम लोग होने वाले हैं, वो ठीक से भागवत जाने वाला है, आप रुक जाओ आप प्रयास करो। वो 5 महीने में अगर नहीं होता तो कोई और फल देने वाला ठीक से जा। पर वैष्णव देखते हैं कि हाँ इसमें इच्छा है कि नहीं, अगर हम वो इच्छा करेंगे तो श्रीमद् प्रभुपाद और हरी वैष्णव कृपा करेगा क्या बोलो। तो यही है, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए प्रचार में, तो मैं बता दो। हाँ बताइए बताइए। तो एक बार हम लोग रविवार को प्रचार करते थाना चिकोड़ा में गए थे, तो नंदे भगवान को बोलते हर बार प्रभु आप जल्दी आ जाना और सब लोकेशन सर्च कर लेना कहाँ जाना है। अब उस दिन मेरा भी लेट हो गया था, तो नंदे भगवान बोले कि मैं आपके पीछे हूँ, तो मैं टेंशन में बना मुझे आगे उनको डांटेंगे अब क्या करूँ। तो एकदम मतलब एक सोसाइटी था जिसको हमने 2 से 3 बार परमिशन लिया, उन्होंने नहीं बोले कि नहीं 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 किसी को भी जाके नहीं नहीं ऐसे करके। अब उस दिन मैंने देखा तो पीछे प्रभु जी की गाड़ी आ गई, मतलब आपको दिखाना तो पड़ेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ परमिशन ले रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ बाइक स्टैंड किया और मैं सीधा रुक गया और कुछ क्या सोसाइटी में। अब देखो भगवान की कृपा, मतलब भगवान को सब पता है कि क्या करवाना है। तो उस दिन वो सिक्योरिटी वाले ने हमें बोला कि जाओ चेयरमैन के घर पे जाओ और पूछ लो। अब चेयरमैन के घर गए तो उन्होंने जाओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, 3 बार ना बोला चौथी बार हाँ बोली। अब मुझे तो पता नहीं, मतलब चलो परमिशन लेके शुरू कर दो प्रभु जी खुश, तो उनको प्रचार ही करना है बस। और तो हम लोग घुस गए एक व्यक्ति के घर पे गए, जैसे हम पहुंचे उसने ऐसा बोला कि क्या आपके पास भगवत है। हम लोग चौंके दौड़े से ना भगवत लेके, जब प्रचार किया पूरा उनको भागवत दे दिया। बाद में उन्होंने बोला कि कल रात को 12 बजे मैं और मेरी पत्नी मोबाइल देख रहे थे, उसमें हमने भागवत के बारे में सुना और कभी हम लोगों ने ऐसा इच्छा किया कि हम ये सीधा प्रभुपाद का भागवत देंगे। अब सोचो सीधा प्रभुपाद का भागवत उनको चाहिए था, भगवान की कैसी व्यवस्था थी कि मैं 4 बार वहां जा चुका हूँ और उसी भी मेरे को वहां पर रुका दिया और उस दिन हम उस घर में गए और भागवत। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप प्रदा इच्छा करो और साधना वाले को साधना साधना की साधना से प्योरिटी वो इम्पोर्टेंट है, और प्रकट इच्छा लेकर संत में तो उससे बचा होगा हमारा। और एक आज ही मैं प्रवचन सुना था श्रील प्रभुपाद का, तो श्रील प्रभुपाद ने यही चीज बताया, श्रील प्रभुपाद ने बताया कि भारत की दुर्गति क्यों है, भारत की पूरे विश्व की दुर्गति इसलिए है कि उन्होंने अपना शिक्षा को छोड़ दिया। हम कहीं पर भी जाओगे इस्कॉन को छोड़ के कोई भी मंदिर में जाओगे वहां पर तत्व ज्ञान नहीं, ना तो वहाँ पे भजन भजन भी उनके तरीके से चल रहा है, कोई तत्व ज्ञान नहीं, कोई फिलोसॉफी नहीं, कोई समझाने नहीं। तो प्रभुपाद ने इसलिए बोला कि मैंने इसलिए इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं ताकि आप पढ़ो। प्रभुपाद ने 3 बार बोले कि उसको पढ़ो, पढ़ के प्रचार करो, कैसे भी खाली प्रचार करो तो पढ़ना भी जरूरी है। जब आप भागवत को पढ़ोगे भगवत गीता पढ़ोगे तब तो हमें रिलेक्शन होगा ना कि यस भगवान ने हम इतने दयाल हो रहे हैं और भगवान ने इसके हमें बताया, तो यही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे अहमदाबाद में ये हमारे ये मनोजवा प्रभु है, नंदा प्रभु बोलते हैं कि हमारे यहाँ के महोत्सव प्रभु है।
महोत्सव प्रभु के जैसा उत्साह है इनका, उनसे हम लोग सीखते हैं और हमको ये सीखना चाहिए। हम मैंने बताया था ना कि नारद मुनि बताते हैं कि हमसे जो बड़े हैं उनसे सीखना चाहिए। हम क्या करते हैं, सीखते नहीं, हम खाली ईर्ष्या करते रहते हैं, ये क्यों कर सकता है, अरे ये क्यों बड़ा हो गया, ये क्यों ऐसे सब करते हैं हम लोग, यही इसीलिए दुखी है संसार में हम लोग। तो कहने का मतलब है कि एक चीज है प्रगाढ़ इच्छा। वैसे तो चार चीज चाहिए हमको पुस्तक वितरण करने के लिए, लॉज ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बताया था जन्माष्टमी में, किसी को याद है? नहीं, आप मत बताइए, बताओ उभरते हुए सितारे। ये है हमारे भागेश, हाँ बोलिए। मैं इनको बहुत डांटता रहता था, अभी भी डांटता हूँ, लेकिन वो सुनता है डांट। बोलिए, इधर आओ, जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ जाओ। ये संकीर्तन स्टोरी है। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब मेरा बड़ाई करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सब इम्पॉर्टेंट है, एक एक व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है ना। आपने भजन सुना है ना, अकेले हम संकीर्तन नहीं कर सकते, एकाकी आमार नहीं पाए बल, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं। संकीर्तन साथ में मिलके होता है ना। तो ये जो बोल रहे हैं भक्त लोग, तो ये ध्यान से सुनिए। और मैं चाहता हूँ आप लोग में सब लोग नेक्स्ट टाइम बोलिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बोल सकते हैं तो दूसरे को प्रेरणा मिलेगा। एक ही बोलो, जो सबसे अच्छा वाला आपको लगता है वो बोलो। गुड, बढ़िया है, आपने सीखा कि हम जितना दिखाएंगे। ये कहाँ से आता है, एक कन्विक्शन है। कन्विक्शन मतलब एक विश्वास होना चाहिए, विश्वास। अभी हम लोग अभी वो नहीं है, अपने निरंकार प्रभु नींद तो एक घंटा और लगता। निरंकार प्रभु के पास बहुत विश्वास है और वो प्रगाढ़ इच्छा देखने को मिलता है ना। तो वो उज्ज्वला माता जी जो है, वो हम लोग सब हर घर भागवतम में है, देख रहे हैं ना सब लोग, सब सुनते हैं। किसी ने सुना है कोई लेक्चर उनका? ये जो कर रहे हैं वही सुन रहे, देख रहे आप सीधे रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये लोग जो हाथ उठाए हैं ना, यही लोग कर रहे हैं, है ना। हमारे जगदीश भाई है, इज अबाउट 55 इयर्स ऑफ एज, है ना, 55 है ना प्रभु जी आपका, कितना 58 है। ओ तो जगदीश भाई है, ये हमारे जवान डिस्ट्रीब्यूटर है, जवान प्रचारक है। तो मैं यही बोल रहा था कि वो सब जो प्रचार कर रहे हैं वही हाथ उठाया, बाकी लोग नहीं उठा रहे। मैं चाहता हूँ सब लोग हाथ उठाए, मतलब हाथ उठाने के लिए नहीं, वास्तव में भी देखे वो। इसलिए हमने जितने भी IID ग्रुप है, IID वाले सबको ऐड करा दिए हैं। आप लोग बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते रहते हैं, ठीक है देखो, लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन वो देखो जिससे आपका प्रगति हो, उनका संग करो जिससे आपका प्रगति हो। जो आपको डांटे, जो आपको, मुझे भी डांट पड़ती है, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है ना, इसीलिए मुझे भी डांट पड़ती है मेरे सीनियर से, है ना। अभी मीटिंग हुआ था, है ना, नंदी प्रभु कहाँ है, हमें डांट पड़ती है, ऐसा नहीं है कि। तो ये ट्रांसफर होता है ना, हमारी जो कमियां हैं उसको ठीक करना है, सुधरना है, है ना। अगर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं छुपा दो गलती को, नहीं, लेकिन आप होने दो ना, एक्सपोज होने दो अपनी गलतियों को, क्या कमी है वो लाओ, खत्म हो जाएगा कमियां। तो माता जी बोलती है, हर ग्रेस उज्ज्वला माता जी ना, वो बोलती है कि वही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जो इसको पूरा भरोसा है कि भागवत ही कृष्ण है। और वास्तव में यही हम बोलते हैं ना, निम्न गानाम यथा गंगा, पूरा उसके अंतर में है, वैष्णवानाम यथा शंभु और पुराणानाम इदम यथा, है ना। तो ये वो पुराण है जो सभी पुराणों का राजा है, है ना, सबसे श्रेष्ठ है। और ये पुराण में हर एक पेज पर क्या है, हर एक पेज पर कृष्ण है। इसलिए जब आप वास्तविक में दया करते हैं जीव पर, जब आप कृष्ण देते हैं, प्रभुपाद जी ने क्या किया अमेरिका में जाके,
सबको कृष्ण दिया। आपको पता है, सुनिए आप, प्रभुपाद जी के तरफ से, प्रभुपाद जी जो यहाँ से अमेरिका गए थे तो उन्होंने क्या लेके गए थे अपने साथ? लोग बोलेंगे 40 रुपए, ठीक है, लेकिन उन्होंने 200 भागवतम सेट्स, ये भागवतम सेट, 200 भागवतम सेट लेके गए थे अमेरिका में, और उन्होंने रास्ते में प्रचार किया, शिप पर ही प्रचार किया, जो कैप्टन है उनको ही प्रचार किया, है ना, और वहां जाके प्रचार किया अमेरिका में जाके। तो आप देख सकते हैं कि हमारे संस्थापक आचार्य की कितना बड़ा इच्छा है कि भागवत हर जगह जाए। एक लेटर है, उन्होंने लिखा है कि आई वॉन्ट इन एवरी हाउस, एवरी जेंटलमैन हाउस शुड हैव ए फुल सेट ऑफ भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत। तो क्या हम, हमारे संस्थापक आचार्य जिसको हम लोग रोज जय जय प्रभुपाद बोलते हैं, तो खाली जय जय प्रभुपाद बोलने से काम नहीं चलेगा, वास्तव में हमको फील्ड पे आना पड़ेगा। तो आप तैयार है फील्ड पे आने के लिए? चलो कौन कौन आएंगे, हाथ उठाओ, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा, वेरी गुड, खुशी हो गए हमें। अभी जिसके पास भागवतम सेट्स नहीं है उसको हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, जिसके पास भागवतम सेट्स नहीं है तो बस ले लीजिए, कल हो ही गया। हाँ 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 है, है, यस है, आज ही ले लीजिए, आज हरिदास ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे है, ठीक है, पैसे का कोई चिंता मत कीजिए। देखिए पैसा भगवान के पास ही, आपके पास नहीं है, भगवान ही देंगे, खाली आप इच्छा कीजिए। तो ऐसे ही जैसे हमारा इच्छा है, हमारा प्रबल इच्छा है, और हम प्रबल सोचते हैं कि इसके अंदर कृष्णा है, और असली में उस जीव का भला है कि उसके पास ये जाए, इसके पास ये जाए तो ही उसका कल्याण हो सकता है। ऐसा अगर आप सोचते हैं देन ओनली यू कैन डिस्ट्रीब्यूट भागवतम, अदरवाइज नॉट। अगर आप सोचते हैं अरे बेचारे वह गरीब है, तो हम लोग किस कैसे देख रहे हैं, हम लोग उसके भौतिक तरह से देख रहे हैं, है ना। चैप्टर 18 पढ़िएगा, उसके अंदर लिखा है तीन तरह के बुद्धि होते हैं, तीन तरह के धृति होते हैं, तीन तरह के कर्म होते हैं, तीन तरह के कर्ता होते हैं, तीन तरह का सुख होते हैं, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार। तो हमें देखना चाहिए कि वास्तव में कोई जीव के पास कृष्ण नहीं है, वो गरीब है, तो उसके पास कृष्ण कैसे देंगे? खाली हमारे 2 मिनट के प्रवचन से, प्रभुपाद जी बोलते हैं खाली 2 मिनट हम बताएंगे कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, वो ठीक है, लेकिन जब तक हम उनको ये ग्रंथ नहीं देते तब तक सफल नहीं है हमारा प्रचार। इसलिए हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि उनके पैर पर गिर जाना चाहिए। हम तो गिरते हैं ना प्रभु, है ना, हम उनके पैर पर गिरते हैं कि भाई आप जो भी हो बहुत महान है, लेकिन आप कृष्ण भगवान को स्वीकार कीजिए, है ना। तो ये 2 भक्त हैं, और कौन है, और जो लोग घर पे रहते हैं, जो लोग ये सुन रहे हैं हमारे IED ग्रुप में, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप लोग आपके पर फैमिली में, एक एक फैमिली में 2 सेट्स रखिए, 2 सेट्स। आप देख दिखा रहे कौन कौन है अटेंड कर रहे हैं, दिखता है, हाँ ठीक है। जो मतलब ये तो हम देखिए, हम किसी को चेक नहीं करते हैं, हम चाहते हैं सिंसियर लोग रहें, तो सिंसियर लोग रहें, हम किसी को क्रॉस चेक नहीं करने पड़ेंगे कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन भगवान सब जानते हैं, ठीक है। तो सबको हृदय में इच्छा होना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ ये 2 सेट्स सबके घर में रहें, 2 सेट्स, और 2 सेट्स मतलब 2 भागवतम सेट्स, और उनके परिवार में कुछ ऐसे आता है, कुछ तिथि आता है, कुछ जन्मदिन आता है, उस समय आप उनको वितरण कर सकते हैं। और आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं उनको आप बोलिए हम जाएंगे वहां पर, है ना, मैं जाता हूँ, अपने जगदीश भाई जाते हैं, जगदीश भाई आप आइए, जगदीश भाई जो है वो बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, तो नहीं सही बात है ना, तो क्रिकेट के द्वारा वो लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। मतलब देखिए आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके द्वारा आप भगवान के कांटेक्ट में उनको जोड़िए, यही करना है। तो ये जो है क्रिकेट, मतलब इनका बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वो लोगों से जुड़ते हैं, और उन्होंने क्या किया पिछले 1 वीक में, उन्होंने भी 6 भागवतम सेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मुझे लगता है वो 20 कर सकते हैं अभी आने वाले समय में, इस महीना के अंदर, ठीक है। लीजिए प्रभु जी, आप थोड़ा बताइए, अभी इनको थोड़ा खांसी हो रही है। नजदीक लीजिए, थोड़ा मैं कनेक्शन करूंगा, आगे फिनिश नहीं कर,
तो अभी मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ भी इनिशियल स्टेज पे वो जो टॉप लेवल के जो ग्रुप है जो फाइव जी बी सॉरी है तो उनका समाज में थोड़ा इंजीनियर भी रहता है तो अभी उनको उनके घर में बात नहीं आनी है उनको करने की जरूरत ही ऐसा करते हैं कि भी आपको और दूसरे समाज के लोगों को इकट्ठा करना है और उनको भी कन्विंस करना है हम चाहे उनका इंफ्लुएंस जब लगेगा ना तब भी प्रभु जी की कृपा से जाएगी 25 भागवत 50 भागवत 100 भागवत रहते जाएगी। हरे कृष्णा आप है ना प्रभु जी मत बोलिए एक्चुअली आप प्रभु श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलिए आदत मतलब सब लोग को बोलता हूँ कि प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी ही है जो मतलब प्रभुपाद जी का ही सब है ना तो प्रभुपाद जी का ही नाम रखिए आगे मेरा नाम से नहीं होगा है ना तो बहुत अच्छा तो क्या करना चाहते हैं तो मैं सोचता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं और हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं आप दो दो सेट्स रखिए पेमेंट का चिंता मत कीजिए आप रखिए 6 महीने तक रखिए और आप ईएमआई दे सकते हैं कितना हम डिसाइड करते हैं हाँ 2000 दे सकते हैं डिपेंड करता है आप कितना दे सकते हैं है ना तो कौन लोग ले रहा है अभी तो 2 लोग ले रहे हैं भागवतम आ जाइए सामने भागवतम लेने वाले है ना है अपने पास अभी गाड़ी में है क्या तो आप ले जाइए आज ठीक है पेमेंट का चिंता नहीं आप लिखा दीजिए नाम नंदई प्रभु का 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ 5000 रुपीज़ वॉट एवर यू कैन डू ज़्यादा भी दे सकते हैं हमारे जगदीश भाई के पास ऐसे है लोग बहुत ज़्यादा देते हैं तो सब मैनेज हो जाएगा भगवान सब मैनेज करेंगे हमें खाली इच्छा करना है ना हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय कुछ सवाल है आपका कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं बहुत बोल लिया मैंने कम बोला है मैंने आज हरे कृष्णा बोलिए पितृ भागवत देखिए कलयुग में बहुत कंफ्यूजन है बहुत कलेर दोष भागवत का बोल रहा हूं मैं कलेर दोष निज राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे भागवत में ही कहा गया है तो कलयुग के अंदर बहुत कंफ्यूजन है ना दोष ही दोष है हर चीज में दोष ही दोष है लेकिन एक है जिसमें दोष नहीं है वो है क्या अभी बोला मैंने कीर्तना देव कृष्ण से और कीर्तन कैसे होता है भगवान का नाम जप करने से और भगवान के बारे में कथा सुनने से और पढ़ने से बस वही 2 करना चाहिए बाकी तो मैन्युफैक्चर्ड है सब अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं ठीक है इसलिए आप फोकस इसी पे कीजिए क्योंकि जो ऑथोरिटेटिव लिटरेचर है वो हम वेद व्यास से आती है बाकी लोग और भी बहुत सारा कुछ लिखते रहते हैं वो तो मान्य नहीं है क्योंकि भगवान ने जिसको मान्य दिया है भगवान ने जिसको ऑथोराइज किया है वही हम स्वीकार करते हैं ठीक है हरे हाँ यही भागवत है ठीक है तो ये 2 भागवत आज चले गए राइट है ना और कल जो है सुबह हम लोग यहाँ पर रहेंगे भागवत वितरण करने के लिए तो कल जो आने वाले हाथ ऊपर कीजिए सुबह से लेके रात तक के 9 बजे तक रहेंगे और ठीक है वेरी गुड मैं भी रहूँगा ठीक है वेरी गुड आइए आप ठीक है और जो लोग सीखना चाहते हैं वो भी आइए और जो सीख चुके हैं वो भी आइए और लोगों को सिखाने के लिए हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय ठीक है।